हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल के बारे में। दोस्तों, टॉन्सिल हमारे जीभ के नीचे दो गांठ होती है उसे कहते हैं। ये ठंडे या गर्म की वजह से बढ़ जाता है और इस समय हम ना पानी पी सकते हैं और ना ही भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए ये बहुत ही आम बात है। लगभग बहुत सारे बच्चों को टॉन्सिल की समस्या हो जाती है। इससे न सिर्फ वो बच्चे, साथ ही उनके घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी परेशानियां भी होती है और लोग महंगी महंगी दवाइयां और बहुत सारी दवाइयां भी खिलाते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो टॉन्सिल खत्म नहीं होता, साथ ही इससे आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, टॉन्सिल की वजह से बुखार भी होता है, जो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, और इसके लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन दोस्तों इससे आपको आराम नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसके इस्तेमाल से आप टॉन्सिल की समस्या से छुटकारा पाएंगे, साथ ही इसके दर्द को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को, बढ़ती उम्र के बच्चों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समय वो खा नहीं सकते, ना ही पानी भी पी सकते हैं, कुछ भी निगल नहीं सकते, जिसकी वजह से वो कमज़ोर से हो जाते हैं, जिनके लिए उन्हें फ्यूचर में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपके भी घर में या फिर आपको भी टॉन्सिल की समस्या है, अगर आपका टॉन्सिल बढ़ जाता है और आपको इससे समस्या होती है, तो इसके लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का उपयोग करें और आप जड़ से टॉन्सिल की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद में औषधि के रूप में तुलसी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर आप तुलसी की माला गले में लगाते हैं, गले में बांध कर रखते हैं, तो इससे आपको टॉन्सिल की समस्या नहीं होती, और अगर आपको टॉन्सिल की समस्या है तो वो भी बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप गाजर का जूस पीते हैं तो इससे आपकी टॉन्सिल की समस्या खत्म हो जाती है, और अगर आपको टॉन्सिल है तो ये बहुत जल्द ही दर्द को खत्म कर देता है। दोस्तों, अगर आपको टॉन्सिल की समस्या है और इससे बहुत दर्द होता है, तो इसके लिए आप लहसुन को अच्छी तरह पेस्ट बना लें और गर्म पानी यानी गुनगुने पानी के साथ इसे गार्गल करें। ऐसा करने से आपके गले का दर्द खत्म हो जाएगा, साथ ही टॉन्सिल भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप फिटकरी के साथ गर्म पानी मिलाकर गार्गल करते हैं, तो इससे भी आपके टॉन्सिल खत्म हो जाते हैं। पानी और नमक के साथ भी, गुनगुने पानी के साथ नमक मिलाकर गार्गल कर सकते हैं, इससे भी आपको टॉन्सिल से छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आप चाय पत्ती को अच्छी तरह खौलाकर गुनगुने पानी से अगर आप गले का यानी गार्गल करते हैं या गले का सेक करते हैं, तो इससे भी आपके गले के टॉन्सिल खत्म हो जाएंगे, साथ ही गले का दर्द भी खत्म हो जाएगा। अगर आप ग्लिसरीन में गर्म पानी मिलाकर गार्गल करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। या फिर दोस्तों, अगर आप सिंघाड़ा का सेवन करते हैं, सिंघाड़े का आटा का सेवन करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलती है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी को टॉन्सिल की समस्या है, तो उन्हें आयोडीन का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से टॉन्सिल की समस्या से छुटकारा मिलता है, साथ ही गले का दर्द भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अब आप इन सब का उपयोग करके अपने टॉन्सिल को खत्म कर सकते हैं, ना कि मार्केट में मिल रहे महंगी महंगी दवाइयों के इस्तेमाल से। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी तो आप इन नुस्खों का उपयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।